हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बाई पूर्वा कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज आज की जो वीडियो है वो वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी एंड आज का टॉपिक ये है कि क्या आप सही रास्ते पर हो आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो क्या वो आप सही कर रहे हो एंड गॉड की गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए वो हम देखेंगे तो गाइज़ ये मेरा सेकेंड चैनल है मेरा फर्स्ट चैनल है वील ऑफ फॉर्चून डबल सो गाइज़ देखते हैं कि आप जो हो क्या आप सही रास्ते पर हो तो जब तक शफलिंग करते हैं तब तक आप जो हैं प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा प्लीज इस और भी वीडियोस आ चुकी है मेरे चैनल पर आप लोग जरूर चेक कीजिए ठीक है सब्सक्राइब कीजिए बन जाइए फैमिली का हिस्सा लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा और इनर वर्क से रिलेटेड तो मैंने वीडियो बनाया ही है साथ में मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप जो भी कर रहे हो क्या आप सही रास्ते पर हो अभी अपने लाइफ के हमारे पास है द टावर ओके एट ऑफ स्वच्छ टेन ऑफ स्वच्छ डेथ ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस ठीक है मैं बार बार, बार बता रही हूं एयर वाटर फायर अर्थ सारे साइंस वालों के लिए है सेवन ऑफ द स्ट्रेंथ

ठीक है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या आपके काम से आपसे आपके लव लाइफ से रिलेटेड या किसी भी तरह के पर्सनल चीज से रिलेटेड हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो सकता है मेजरली ठीक है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक है और मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन ने आपके साथ ये इसीलिए किया है क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करते हो ठीक है तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है तो आप जो है उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक है हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था ठीक है मुझे कैसे भी करके इस चीज़ को बदलना है मेरे साथ ये नहीं हो सकता ठीक है मैं ये डिज़र्व नहीं करता ये नहीं करती लेकिन वो जो है कहीं कही ना कहीं आपके भलाई के लिए वो है जो चीज़ आपको शायद नहीं नज़र आ रही है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो ठीक है हो सकता है आप कोस रहे हो चीज़ को कर्स कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है आपका आपका बिलीफ सिस्टम उठ रहा है इस वक्त ठीक है तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो कुछ चीज़ें अपने लाइफ में गलत कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से जो आप अपने लाइफ में अबर्डेंस को नहीं ला पा रहे हो ठीक है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका रास्ता तो सही है आप सही रास्ते पर ही हो लेकिन आपने बहुत सारी ब्लॉकेजेस अपने तरफ से क्रिएट कर लिए हैं जिसकी वजह से जो खराब चीज आपके लिए हो रही है उसे आप एक बिगर पिक्चर में नहीं देख रहे हो उसकी रीज़न आप नहीं जानना चाह रहे हो आपको बस ये लग रहा है कि क्यों गलत हुआ हुआ तो क्यों हुआ ठीक है ये मेरे मेरे लिए डिजर्विंग नहीं था मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करती थी लेकिन डिवाइन ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में इसीलिए उन्होंने किया ताकि आप कुछ सीख पाओ और आपको जो है इससे भी अच्छा कुछ मिल पाए ठीक है क्योंकि यहाँ पर है एट ऑफ सॉल्स एंड स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो आपको पता नहीं है कि भगवान आपके साथ क्या करने वाले हैं यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जा रही है आपका फ्यूचर क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील करते हो तो यूनिवर्स जो है आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रखने के लिए बोल रही है वो आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रही है वो आपको बताना चाहते हैं कि अल्टीमेटली आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा धैर्य रखना पड़ेगा अपनी नेगेटिविटीज से निकलना पड़ेगा बिकॉज इस टाइम मुझे लग रहा है आप हर एक चीज में नेगेटिविटीज को ढूंढ रहे हो आपकी लाइफ में इतने सारे पॉजिटिविटीज होने के बावजूद आप सारे नेगेटिविटीज चीजों पर फोकस कर रहे हो ठीक है टेन ऑफ स्टॉर्स एंड फाइव ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके किसी चीज़ में एंडिंग्स हुई है या तो आपके एक साइकिल में एंडिंग हुआ है आपके करियर में कुछ एंड हुआ है आपके लव लाइफ में कुछ एंड हुआ है और उस एंड के साथ आप न्यू बिगनिंग्स करने के बजाय आप उसी चीज़ में स्टक हो उसी पेन में फंसे हुए हो आपका ऐसा लग रहा है कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो ये चीज़ मुझे कहीं कही ना कहीं दिख रही है यूनिवर्स बार बार आपको धकेल रही है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो चाह रहे हैं कि आपके अंदर चेंजेस आए आपके लाइफ में चेंजेस आए लेकिन आप डिफेंसिव हो रहे हो आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हो आप न्यू स्टार्ट को अपने लाइफ में अवेल नहीं करना चाह रहे हो आप ट्रांसफॉर्मेशन को अवेल नहीं करना चाह रहे हो हालांकि आप चाह भी रहे हो लेकिन जो अवेकनिंग uh, आपकी हो रही है या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो बुरी चीज़ें हो रही है आपके साथ या जो चीज़ें नेगेटिव आपको लग रही है वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए है लेकिन जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स की हुए हैं आपको ही हर टाइम झेलना पड़ता है ठीक है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए सही रास्ते पर तो आप हो लेकिन कहीं ना कहीं आपने इतने ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को आवाहन दे दिया है अपने लाइफ में आप इतने ज़्यादा नेगेटिव डीप थाट्स में रहते हो कि आप स्टक रह जाते हो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो बदलाव आपको जो फ्रेश न्यू स्टार्ट यूनिवर्स प्रोवाइड करिए उस चीज़ पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है उस चीज़ के लिए आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो आप हमेशा पास्ट में या प्रेजेंट में अटके हुए हो कि ऐसा क्यों हुआ इसे किसे कैसे ठीक करूँ ये नहीं होना चाहिए था ठीक है आ, ये बिल्कुल गलत हो गया मेरे अगेंस्ट हो गया मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी मैं कितना वेट करूँ ठीक है तो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है तो आपको जो है नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर से कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा ठीक है आपके लाइफ में जो भी हुआ जो भी चीज़ें हुई उसे एक एक तरह के लेसन मानकर आपको लेट गो करना पड़ेगा और न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए आपको जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं उसे आपको लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा अन अच्छी चीज़ों को लाइफ में इन्वाइट करना पड़ेगा तो सही रास्ते पर तो हो लेकिन आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं कुछ सेल्फ इम्पोज हैं और कुछ ऐसे ही इसी वजह से कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेडली बुरा हो गया तो उसके लिए जो है आपकी जो है थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस लो हो गई या पेशेंस थोड़ी कमी हो गई या फिर आपका लग रहा है कि आपको ही क्यों ये सब फेस करना पड़ रहा है तो ये सारे ब्लॉकेट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ठीक है और उसके लिए यूनिवर्स जो है आपको पुश कर रही है ताकि आप एक बेटर ह्यूमन बींग बन सको एक बेटर पर्सनैलिटी बन सको जो चीज शायद आपको अब नजर नहीं आ रही है लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको अब आप जब अपने पास्ट की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो चीज़ मैंने फेस की ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था अब मैं कौन से पोजीशन में हूँ मैं कितना सेटल्ड हूँ मैं कितना अच्छा लाइफ जी रहा हूँ अत कहीं ना कहीं आप जो है यूनिवर्स को ही ग्रैटिट्यूड शो करोगे जो शायद आप अभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो ठीक है तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है तो चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से गॉड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है कुछ स्ट्रगल पीरियड आपका शायद चल रहा है इस वक्त किसी भी रिलेटेड तो उसे आपको जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है उस चीज़ में स्ट्रगल पीरियड में भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा फ्यूचर में ये हो गया तो क्या होगा ठीक है तो आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना है ठीक है एग्जॉशन तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि आपको किसी भी तरह का जो है प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है अगर आप बहुत ज़्यादा क्विट करने के मोड पर आ चुके हो या फिर आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे तो आपको इस एनर्जी से निकलना है ठीक है आपके अंदर वो जज्बा फिर से वापस आना चाहिए वो पैशन फिर से वापस आना चाहिए जो पहले हुआ करता था ठीक है तो बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील मत कीजिए आप लोग यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं राइटनेस तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ होंगे आपने जो जो सपने देखे हैं जो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट किए हैं विजुअलाइज़ किए हैं वो चीज़ आपके अंदर होगी आपने जिस चीज़ के लिए भी हार्डवर्क किया है उसका फल आपको मिलेगा लेकिन सही फल आपको मिलेगा ये नहीं कि आप कुछ गलत चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वाइट करो वो आपको यूनिवर्स देंगे ऐसा नहीं होगा ठीक है तो जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली देंगे आपके अंदर स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी लेकिन उसके लिए जो है आपको ये अपने अंदर पैशंस को फिर से जगाना पड़ेगा अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और न्यू चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है द क्रिएटर देखिए अगेन यहां पर बताया जा रहा है कि आपके साथ आपके ऊपर वाले हैं आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हो ठीक है और वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएंगे जहां पे आपने आपको जो इस टाइम पे इंपॉसिबल रख रहा है वो चीज पॉसिबल आपके लिए होगा लेकिन आपको विश्वास रखना है ठीक है आपको विश्वास रखना है आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना है आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हो आप लीडर हो ठीक है जिसकी वजह से चीजें ठीक होंगी आपके साथ फिर हमारे पास पोस्टपोनमेंट तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को डीले करके कर रही है क्योंकि उनका होना ही लिखा हुआ है थोड़े देर से ताकि आपको जो है अच्छा चीज़ आपके लाइफ में मिल पाए तो हो सकता है अभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ आपको डीले हो गई आपको नहीं मिल पाई और आप जो हो आपके अंदर होप्स खो रही हैं क्योंकि ये चीज़ें टाइम पर नहीं हो पाई तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और उस पे उस पेशेंस के साथ आप अगर प्रेयर्स करते हो तो डेफ़िनेटली हैं चीज़ें जो हैं देरी से ही सही लेकिन बहुत अच्छी आपको मिलेगी इन रिटर्न ओके okay. अवेयरनेस तो देखिए मुझे पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए हो सकता है वो, वो ट्राई भी कर रहे हैं हो सकता है आपको पेन मिल रहा है इससे भी कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ या फिर जो चीज आपके साथ अच्छी नहीं चल रही है उससे आप बहुत कुछ सीखो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो है अपने अंदर आत्मा पे ध्यान दीजिए अपने सोल को ध्यान दीजिए आप रियालिटी में कैसे हो कैसे इंसान हो ठीक है आपकी सोल क्या चाहती है उस पर ध्यान दीजिए आपके लाइफ पर्पज पर ध्यान दीजिए फिर है ट्रैवलिंग तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में मूवमेंट्स आएंगे अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे या फिर आप रीलोकेशन चाह रहे थे या फिर चाह रहे थे आपकी लाइफ आगे बढ़े तो वो ज़रूर बढ़ेगी यूनिवर्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में सारी चीज़ों में मूवमेंट्स लाएंगी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपको जो है बिलीव रखना है अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा मेरे लिए कोई नहीं है मेरा भगवान मेरे लिए नहीं सुनता है ऐसी आपको माइंडसेट नहीं रखनी है वो सब करेंगे आपके लिए ओके फिर है चीज तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जो हो किसी एक चीज को लेकर फोकस रहिए आप कभी भी कन्फ्यूज मत रहिए एग्जॉस्टेड मत रहिए या डिसाइसिव मोड पर नहीं रहिए कि अगर मैं कर रहा हूं तो क्या होगा ठीक है अगर ये ये अभी कर लूँ लेकिन बाद में ना करूँ तो शायद हो पाएगा कि नहीं ठीक है अभी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं तो आपको इनडिससिव नहीं रहना है आपको एक चीज़ पे डटे रहना है एक चीज़ को डिसाइड कर लेना है उस पर फोकस करना है कि नो मैटर व्हाट आई विल अचीव ओके तो ऐसी माइंडसेट आपको रखनी पड़ेगी बट ऑन द दिक्स है अंडरस्टैंडिंग्स तो अगर आप अभी स्टक फील कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही दे रही है कि आपको फ्रीडम मिलेगा ठीक है आप इंडिपेंडेंट बनोगे आपके लाइफ के सारे इशूज़ जो हैं वो हट जाएंगे रिजॉल्व हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाओगे फ्री हो जाओगे ठीक है और आपके आपके अंदर सारी चीज़ें ठीक होंगी ठीक है थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिल रहा है ठीक है सो so, गाइस बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहिएगा पॉजिटिव रहिएगा ठीक है सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स को उतना ज़्यादा फोकस में ना रखकर अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हो तो सारी चीज़ें ट्रस्ट में ठीक हो जाएंगी और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपके साथ हैं सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोग को पसंद आएगा पसंद आए रिजोईट हुई है प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़ तब तक के लिए बाय